नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव टूल के बारे में जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस टूल की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। जहां Leonardo.ai पे आप दिन की 150 आपको पॉइंट्स मिलते हैं और जिससे कि आप 70 इमेजेस जो है वो बना सकते हैं, वहीं प्लेग्राउंड की हेल्प से आप दिन की 1000 इमेजेस तक बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो है वो गूगल पे सर्च करेंगे playground.ai से, तो आप आ जाएंगे इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेड का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। बट उससे पहले अगर आप कम्युनिटी की द्वारा बनाई हुई इमेजेस को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने देखिए फिल्टर्स भी लगा दिए हैं कि अगर आपको एनिमल्स की कुछ इमेजेस देखनी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, लैंडस्केप्स देखने हैं कुछ आपको अच्छे अच्छे तो वो आप देख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ देखना है तो वो आप देख सकते हैं। ये तो बात होगी जो इमेजेस पहले से जनरेट हो चुकी हैं। अब अगर बात करें कि आप इससे इमेज कैसे बना सकते हैं, तो चलिए उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना होगा और आप आ जाएंगे कुछ इस तरीके के इंटरफेस पे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंटरफेस समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके के देखिए होते हैं, एक होता है कि बोर्ड और एक होता है कैनवस। ठीक है ना, तो बोर्ड वाला जो सीन होता है यहाँ पर आप जो है वो प्रॉम्प्ट टू या फिर टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करते हैं, और जो कैनवस वाला होता है वहाँ पर आप जो है इमेज टू इमेज जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये जैसे कि Leonardo AI में क्या होता था, वहाँ पे फिल्टर्स नहीं होते थे, बट यहाँ पर जो है वो आपको कई सारे फिल्टर मिलते हैं। देखिए, आपने अगर ये फिल्टर लगा दिया तो वो आपको उसी स्टाइल में इमेजेस बना के देगा। तो बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पर जो है वो पहले से अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। बात करें इसके बाद नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर जो है आपका होता है वन सेकेंड प्रॉम्प्ट सेक्शन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो भी आपको इमेजेस बनानी है उसका एक प्रॉम्प्ट आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। बात करें और नीचे, देखो यहाँ से क्या होता है, एक्सक्लूड फ्रॉम इमेजेस क्या होता है, ये एक तरीके का निगेटिव प्रॉम्प्ट होता है। जैसे कि और Leonardo में मिड जर्नी में निगेटिव प्रॉम्प्ट होता है, वैसे ही जो चीज़ें आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ पर वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अभी क्या होता है, ये इमेज टू इमेज जनरेटिव टूल है, उसका भी आप यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब चलिए इस तरफ आते हैं राइट हैंड पे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मॉडल्स, तो ये बेसिकली कौन सा मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं अपने इमेज को जनरेट करने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है वो स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 यूज़ करें। दो दे प्रोवाइड स्टेबल डिफ्यूजन 2.1 एज वेल, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो 1.5 वाला यूज़ करें, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, इसके अलावा डाली टू भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर चलता है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 यूज़ करिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखिए इमेज का साइज जो है वो आपको कुछ भी आपको जो भी आ रहा है दिमाग में वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसे भी वीडियोस बनानी है या फिर इमेजेस बनानी है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर आप देखिए कुछ प्रॉम्प्ट गाइडेंस होता है, हाइयर वैल्यू विद मेड क्लोजर टू योर प्रॉम्प्ट, तो जितना आप थोड़ा सा इसको करेंगे तो हिसाब से वो आपके क्रेडिट्स ज़्यादा लगेंगे, तो बट जो प्रॉम्प्ट आप देंगे उसके अकॉर्डिंग वो उस पर ज़्यादा फोकस होगा आपका। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हाई कर सकते हैं आप। क्वालिटी डिटेल्स देखिए यहाँ पर, जितनी ज़्यादा आप इसको बढ़ाएंगे तो जो डिटेलिंग होगी आपकी इमेज में वो उतना अच्छी होगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, आप नॉर्मल 50-60 तक भी ले जाएंगे तो दैट इज़ वेल इनफ। ठीक है, फिर यहाँ पर जो होता है वो सीड, तो सीड का बेसिकली ये काम है कि आप जैसे कोई आपने इमेज बनाई, ठीक है ना, अगर आप उसी से मिलती जुलती इमेज या उसी स्टाइल में इमेज बनाना चाहते हैं तो अगर आप उसको पहले से सीड कोई नंबर दे देंगे यहाँ पर, तो वही नंबर आप दोबारा देंगे तो थोड़ा सा हेल्प करता है मॉडल को कि वैसी इमेजेस कैसे बनाई जाए। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आता है सैम्पलर, तो ये कुछ इनकी अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन मॉडल्स पे इन्होंने जो है वो डेटा को रन करा है। तो यहाँ पर आप जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे K-Euler भी आप कर सकते हैं, ये जो है K-Euler एंसेस्ट्रल जो हो गया, या फिर K-DPM2 एंसेस्ट्रल, ये सारे मैंने यूज़ करे हैं, ये सारे जो है वो अच्छे हैं, तो आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने K-Euler एंसेस्ट्रल यहाँ से ले लिया है। ठीक है, अभी आप यहाँ से नीचे जो है वो अपनी नंबर ऑफ इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी इमेजेस आपको बनानी है, तो लेट्स से मुझे दो इमेज बनानी है, वो चीज़ें यहाँ पर मेरी हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो प्राइवेट सेक्शन को ऑन करना होगा। ठीक है ना, जिससे आपकी जो इमेजेस होगी वो सिर्फ आप तक रहेगी, वो कम्युनिटी पर नहीं जाएगी। ठीक है ना, चलिए अभी मैं आपको जो है वो कुछ इमेजेस बना के भी दिखाता हूँ। तो लेट्स से हम जैसे यहाँ पर आ गए फिर से, ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट सेक्शन है और यहाँ पर हमने कुछ इसको प्रॉम्प्ट दिया
1. तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ कि टिनी अंडर वाटर कम्प्लीट वर्ल्ड इन लार्ज ग्लास बाउल, एक मुझे बाउल के अंदर जो है वो जो मैरीन फ्रेंड वर्ड होता है उसको दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो भी मेरे दिमाग में ना तो वो मैंने दिया यहाँ पर प्रॉम्प्ट, और मैंने सिंपली इसको जनरेट पे क्लिक करा, ठीक है ना। और जो मैंने इमेज साइज लिया हुआ है वो स्क्वायर शेप में लिया हुआ है। अभी देखते हैं कैसी इमेज हमारी बनती है। तो देखिए दोस्तों, इसने हमारी इमेज तो जो है एकदम सेम बहुत ही प्यारी इमेज जो है उसने हमारे लिए बना दी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो भी और चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसका रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। चलिए मैं कुछ आपको और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से ये मॉडल मैंने थोड़ा सा ड्रीम शेप कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अभी लेट्स से मुझे जैसे बनाना है कि रोबोट वॉकिंग ऑन द मून एंड इन द बेस कैम्प, ठीक है ना। कुछ भी मैंने जो दिमाग में आया वो मैंने यहाँ पर बोला इसको, और मैंने सिंपली यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर दिया, और देखिए आपकी इमेजेस जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। और इसमें जो बेस्ट चीज़ है वो आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप दिन की 1000 इमेजेस तक बना सकते हैं। अभी देखिए रोबोट जो है वो अपना वॉक करते हुए दिखा रहा है बेस कैंप में मून पे, ठीक है ना। तो ये कितनी ईजी हो गया है, और यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस आप जो है वो बना सकते हैं। चलिए कुछ और इमेजेस भी बनाते हैं एक बार, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट था जो मैंने चैट जीपीटी से निकाला था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ प्रॉम्प्ट को, और मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना। ये प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से दिया था, इसको एक बार मैं यहाँ से इंटर करता हूँ, देखते हैं कैसी इमेजेस आती हैं। ये अनइमेजिनेबल है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐसी इमेज मैंने कहीं पे देखी थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा उसके आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर मैंने उसका प्रॉम्प्ट वहाँ से चैट जीपीटी से लिखवाया उस आर्टिस्ट का नाम लेते हुए, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं उसी प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पर डाला, और कितनी अच्छी इमेज जो है कुछ अलग सी, आई मीन आई डोंट नो ये क्या है, ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बट इट इज़। और आप देख पा रहे हैं कि मुझे जैसे ऐसी ही सिमिलर कुछ इमेज जो थी वो जो मैंने देखी थी वो भी थी। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने इमेज आर्टिस्ट का नाम देके और बहुत सारी इसमें चीज़ें प्रॉम्प्ट में एड ऑन करके अपनी इमेज की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में जो है वो इतना ही सकते हैं कि वीडियो अदरवाइज़ बहुत लंबी हो जाएगी, और इसके बाद जो वीडियो आएगी प्लेग्राउंड AI की उसमें मैं इसके जो एडवांस्ड वर्जन है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।